हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी क्लासेस। और ये जो वीडियो है ना भाई, इसमें हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस किसके हो रहे हैं। बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी एंड बीए ऑनर्स साइकोलॉजी सेमेस्टर वन के, इन तीनों कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर वन के, उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी है। पूरे की पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिस है, आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। इस ऑफिशियल नोटिस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, कैसे आपके एग्जाम्स होंगे। उससे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन प्रेस करिए, टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए एंड हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है आपके लिए, कुछ कंटेंट फ्री है, कुछ कंटेंट पेड है। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन वहाँ पर क्लासेस भी चलती हैं, सारी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो भाई, सेमेस्टर वन की बात करते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज के इंटरनल असेसमेंट खत्म हो चुके हैं। अब ये जो तीन कोर्सेज है, बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी एंड बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, इनके सेमेस्टर वन के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो अब शुरू हो रहे हैं। अब वो कब से शुरू होंगे, आपके पेपर शुरू हो रहे हैं कब से, 27 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू होंगे, ठीक है। और देखिए, ये जो पेपर है आपके ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे सेमेस्टर वन के बच्चों के लिए। और ये प्रॉपर डेट शीट इसकी दी गई है, चलिए पूरी की पूरी डेट शीट हम डिस्कस करते हैं। 27 तारीख को जो पेपर है ना, पहला पेपर वो है डीएससी का, ये पेपर कोड दिया हुआ है। बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी का पेपर है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, टाइमिंग दे रखी है इसकी 12 से 1 दोपहर को, और जेंडर बोथ यानी कि मेल फीमेल दोनों को, यानी कि सभी बच्चों के लिए पूरी की पूरी डेट शीट एप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद 30 दिसंबर को जो पेपर है वो है बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी का फंडामेंटल ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसका टाइम भी 12 से 1 का है। 27 दिसंबर को ही बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों का भी पेपर है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, 12 से 1। टाइमिंग देखिए, सभी पेपर का सेम है 12 से 1 और सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ डेट के हिसाब से कोर्स को बदला गया है, ठीक है। 30 तारीख को बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग पाइथन, अगेन 12 से 1 का टाइम है इसका भी। 27 दिसंबर को बीए ऑनर साइकोलॉजी का पेपर है किसका, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, एंड 30 दिसंबर को बीए ऑनर साइकोलॉजी का दूसरा पेपर है इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस डेट शीट को देखूं तो 2 दिन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं, 27 दिसंबर को और 30 दिसंबर को। तो ये जो तीनों कोर्सेज हैं इनको 2 दिनों में बांट दिया गया, और अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर इस डेट शीट के हिसाब से आपको अपने पास नोट डाउन कर लेना है आपका जो भी इनमें से कोर्स है। और टाइमिंग जो है वो 12 से 1 ही है दोनों दिन, 27 दिसंबर को भी और 30 दिसंबर को भी। अब ये पेपर देने कैसे हैं आपको, ये ऑफलाइन मोड पर नहीं होंगे, यानी कि आपको कहीं जाना नहीं है, ये पेपर आपके ऑनलाइन मोड पर होंगे। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा आपका, यानी कि 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे इस पेपर के अंदर आपके, और 1 मार्क होगा पर क्वेश्चन का, ठीक है। अब आपको ये पेपर देना कैसे है, एलएमएस पोर्टल के थ्रू, यानी कि आपके पास एक एसएमएस आएगा जिसमें आपके पास एलएमएस पोर्टल का डिटेल होगा, लॉगिन आईडी होगा, पासवर्ड होगा, और ये देना है आपको लैपटॉप के थ्रू। यहाँ स्पेशल मेंशन है लैपटॉप के थ्रू, तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये फोन से आप ना दे पाए एज पर द इंस्ट्रक्शन जो नोट यहाँ पर मेंशन है, बट एक बार एसएमएस आने दीजिए आपके पास, उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो एलएमएस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको ये पेपर देना है। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पेपर के दौरान कोई और विंडो ओपन करी तो आपका पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर चीटिंग की संभावना को नकार दिया गया है। तो आपको एग्जाम करते हुए अपना कोई भी और विंडो अपने लैपटॉप पे या फोन पे जब भी होगा वो ओपन नहीं करना है। एक बार टाइमर स्टार्ट हो गया, इट विल नॉट स्टॉप, तो आपको जो भी टाइम इसमें दिया जाएगा, टाइमिंग यहाँ पर मेंशन नहीं है, वैसे मुझे लगता है 40 क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाए। वैसे 50 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 12 से 1, यानी कि 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, इसीलिए उस 1 घंटे में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी इशू आता है, यहाँ साफ मेंशन है, फॉर एनी क्वेरीज और कंसर्न्स रिगार्डिंग द शेड्यूल और द एग्जाम गाइडलाइंस, रीच आउट टू कंसर्न डिपार्टमेंट फैकल्टी, वहां जाकर आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। तो अपडेट ये, 27 दिसंबर से पेपर शुरू है, 27 दिसंबर और 30 दिसंबर को पेपर होगा तीनों प्रोग्राम्स, बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी एंड बीए ऑनर साइकोलॉजी सेमेस्टर वन के। सो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ऑलरेडी आज कुछ कोर्सेज के एग्जाम्स आज शुरू हो गए हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ताकि आप जितना भी कंटेंट वहाँ अवेलेबल है उसका बेनिफिट उठा पाएं, और चैनल सब्सक्राइब जरूर जरूर आपको करना है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।